ये डुगडुगी और लाउडस्पीकर पर हुई मुनादी सुन रहे हैं आप। दरअसल ये मुनादी इस बात की है कि अब नकल माफियाओं के दिन लद गए। शुक्रवार को गाजीपुर में एक ऐसे ही नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो अब काफी दिनों तक लोगों के जहन में रहेगी। नकल माफिया के अभियोगी के रूप में पंजीकृत पारसनाथ कुशवाहा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसमें सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन स्थित बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज की भूमि व भवन, आदर्श गांव स्थित ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, फतेह उल्लाहपुर स्थित डिग्री कॉलेज के अलावा 6 बाइक, 4 चारपहिया वाहन, 10 भूमि प्लॉट, 4 भवन शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 12 करोड़ 31 लाख से अधिक है। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने विस्तार से इस कार्रवाई के बारे में बताया है, आइए उनको सुनते हैं। ये जनपद गाजीपुर में पारसनाथ कुशवाहा हैं जो नकल माफिया के रूप में पंजीकृत हैं और इनके विरुद्ध वर्ष 2016 से ही अभियोग पंजीकृत हैं और गैंगस्टर अभियोग अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, जिसके तहत गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत इनकी संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए है, जिसपे अवैध रूप से स्कूल चलाना, अवैध रूप जमीन कब्जा करना, अवैध जमीन पे स्कूल का निर्माण करना, इनकी समस्त गाड़ियों को स्कूल को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सीज किया गया है जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से और इसमें इनके विरुद्ध आधिकारिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पारसनाथ कुशवाहा पर गैंगस्टर अधिनियम धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें अवैध रूप से स्कूल चलाने, जमीन कब्जा कर उस पर स्कूल का निर्माण कराने जैसे अभियोग शामिल हैं। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य के आदेश पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। अभी आगे और एक्शन लिया जाना बाकी है। आपको बता दें कि कुर्की की कार्रवाई के दौरान सदर SDM प्रभाष कुमार, सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल दिलीप सिंह, तहसीलदार मुकेश सिंह, गोरा बाजार चौकी प्रभारी अनुराग गोस्वामी, करंडा SSI अशोक मिश्रा और लेखपाल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गाजीपुर की हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।